हेलो गाइस, तौहीद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है, नवादा से गया जा रहा हूँ। अब कहाँ कहाँ डबल लाइन बना है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी हूँ नवादा रेलवे स्टेशन के फ्रंट कैमरा से, आपको दिखाता हूँ कि नवादा का रेलवे स्टेशन आपको पहले ये देखिए। नवादा रेलवे स्टेशन बहुत ही काफ़ी भीड़ है, वो सेट चला जाता है वर्सलीगंज, और इधर चला जाता है वजीरगंज, जो कि मैं अभी वजीरगंज होकर गया जाऊंगा। और इस साइड का दिखाता हूं भीड़ आपको मैं, ये देखिए भीड़, सब लोग गया जाने के लिए है। जो ट्रेन पर मैं बैठा हूं अभी, ये ट्रेन लास्ट ट्रेन है जो कि 5 बजे आता है और 5:25 में खुल जाता है। हो सकता है कि अंधेरा हो जाए तो आप लोग को डबल लाइन नहीं दिखा सकता हूँ मैं, तो हो सकता है कि आपको गया रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा अगर अंधेरा नहीं हुआ तो। तो फाइनली हम आ चुके हैं गया रेलवे स्टेशन, और डबल लाइन का वीडियो नहीं दिखा पाया इस कारण क्योंकि अंधेरा हो चुका था यार। वहां से 5:25 में ट्रेन खुला था तो मगरिब हो गया था, वही कारण मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया हूं रेलवे लाइन का। पर हाँ, रेलवे डबल लाइन बन रहा है, बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। अभी मैं उतरा हूं, ये देखिए सब लोग उतर रहे हैं। तो मैं गया का ही ब्लॉगिंग कर लूँगा, और नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं ब्लॉगिंग करूँगा कहाँ कहाँ डबल लाइन हुआ है रेलवे का। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो आपको मैं गया रेलवे स्टेशन का कुछ वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। तो ये देखिए गया का नया सीढ़ी बन रहा है, जो कि मैं जूमिंग करके दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये गया का सीढ़ी चढ़ रहा है, किसी को नॉलेज नहीं है तो यहां से चढ़ के वहां तक जाने के बाद देखो क्या नज़र आता है यार। नए नए लोग आते हैं तो चढ़ जाते हैं ना सीढ़ी पे, सोचते हैं कि चलो चढ़ के उस पार होऊंगा मैं, या अब ये जो प्लेटफार्म पे खड़ा हूँ मैं, ये 5 नंबर प्लेटफार्म पे खड़ा हूँ मैं, और उस साइड है 6 नंबर है, उस साइड प्लेटफार्म नंबर 7 है उधर। तो देखिए आपको बता रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ने के बाद लोग वापस क्यों आ रहे हैं, ये देखिए ऊपर बिछा ही नहीं। तो लोग सोच रहे थे बीछा तो है ही नहीं, तो फिर चढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो सोचा मैं इसका भी ब्लॉगिंग बना लूं। तो चलिए आपको और क्या क्या है गया रेलवे स्टेशन के बारे में तो आपको बताता रहूंगा मैं। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, वीडियो तो लंबा जाएगा ही जाएगा, तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। तो हेलो गैस, आप लोग को अगर टिकट कटाना है तो यहाँ कटाना है। अगर आप लोग आ रहे हो मेन एंट्री से आ रहे हो, अगर खोजना है आप लोग को कि टिकट काउंटर कहाँ है, तो जस्ट आप जब एंट्री करिएगा तो लेफ्ट साइड में ही आपको दिख जाएगा ये टिकट काउंटर, जो कि मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए टिकट का है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। तो चलिए आपको अंदर का कुछ दिखाता हूँ मैं, टिकट वगैरह का कहाँ कटता है। ये देखिए यहाँ कटता टिकट वगैरह बहुत सारा है, लिखा हुआ है सब जगह नाम वगैरह। और यहाँ पे लोग जो है बैठते हैं, लेटते हैं, बहुत ही लंबा लंबा भीड़ रहता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नीचे में कि लेटे हुए हैं। अगर प्लेटफार्म भी टिकट कटाना है आपको तो यहीं आकर कटाइएगा प्लेटफार्म टिकट, या कहीं जाना भी है तो यहीं। ये देखिए कितने लोग लेटे हुए हैं, इधर लेटे हुए हैं, और उस तरफ भी कुछ है, उधर भी लेटे हुए हैं। तो उस तरफ मैं जाऊंगा, अभी नहीं गया हूं, जाऊंगा इसके बाद में। तो ये देखिए इधर ट्रेन वगैरह का बताता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं।
सब लोग लेटे हुए हैं। तो चलिए आपको उस पार का वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली हम मेन गेट के पास आ चुके हैं, जो कि एंट्री इधर से करते हैं। एंट्री तो मेन ऐसी एंट्री उधर से है, और गया का रेलवे स्टेशन जाने के लिए मेन एंट्री जो है इधर से है। और मैं बता देता हूँ, अगर बैक वगैरह से आप लोग आ रहे हैं, मेन एंट्री से आएँ तो राइट साइड में जो है बैक वगैरह का पार्किंग है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस साइड है। और बहुत सारे लोग भी आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो किसी का ट्रेन जो है 2 बजे रात में आता है। तो आप लोग को अगर बस पकड़ना है कहीं का भी, तो उसी साइड जिधर पार्किंग लगता है ना, तो उसी साइड 3 बजे बस खुलता है, तो आप लोग वहां से बैठ सकते हैं बस के लिए। 3 बजे खुलता है, 3:30 बजे तक खुल जाता है। कहीं जाने के लिए वहां से आपको बस मिल जाएगा। और पूछताछ के लिए अगर आपको पूछना है पूछताछ कहाँ है, तो आपको जैसे एंट्री करते हो आप, तो आपको पूछताछ मिल जाएगा। तो ये देखिए, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, तो इस साइड है पूछताछ। और चलिए पास से दिखाता हूँ मैं आपको, और बगल में ही है होटल वगैरह है, जैसा कि आप लोग देखिए। अगर इंक्वायरी आप करना चाहते हो कि कौन सा ट्रेन कहाँ रहे, सब पूछता कौन है भाई, बोर्ड सामने है। और अगर कोरोना टीका वगैरह नहीं लगाया हो तो सामने ही है, टीका वगैरह लगा सकते हो। तो इधर देखिए पूछताछ है, पूछ सकते हो। और मेन एंट्री है, गाड़ी संख्या 0347 इधर से है मेन एंट्री। तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो मेन एंट्री यही है, इधर से आप जा सकते हो। और खड़े होकर यहाँ से अगर आपको कहीं का भी टिकट वगैरह कटाना है, मैं तो बता दिया हूँ उस साइड से कटाना है। जैसे एंट्री करते हो तो लेफ्ट साइड में ही काउंटर है। अगर किसी ट्रेन के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ देखो होर्डिंग में पता लगा सकते हो यार। तो ये देखो गया का रेलवे स्टेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया पहले से, और बंद भी रहा है। तो ये देखिए 3 बजे का बोला था ना बस लगता है, तो ये देखिए नवादा का बस है, और हर जगह का बस मिल जाएगा आपको जहाँ जहाँ जाना है। ये देखिए यहीं पे बस लगता है, और बोला था ना पार्किंग वगैरह लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्किंग वगैरह लगता है। तो महाराष्ट्र से ट्रेन आता है 2 बजे, और किसी किसी का ट्रेन 1 बजे उतर जाता है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये बिल्डिंग है होटल अर्नव, तो यहाँ आके देख सकते हो गाड़ी, और कहीं जाना है आपको तो यहीं बैठ सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों लोग के पास शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।